तुम इस घर की बड़ी बहू हो। हम चाहते हैं कि हमरी से का तुम इबरत उठाओ। हम कहा सोच रहे हैं कि इबरत सृष्टि क्यों ना कर ले। इस बार छठ की पूजा और व्रत हम करेंगे। छठ पूजा स्पेशल गाने की फरमाइश आई है हरिनगर के अनुराग सिंह की तरफ से। दे दो, हम कर लेंगे। अरे हम कह रहे हैं दे दो हमको, रखो यहाँ, छोड़ो। चलो बैठो पंखा में, हम संभाल लेंगे सब कुछ। अरे वाह, छठ मैया ने तो काम कराना शुरू कर दिया। आई होप घाट पर आज पूजा अच्छे से हो जाए। सृष्टि, मैं और रागिनी वो पिटीशन को फॉलो अप कर रहे हैं, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, खाली अपना ध्यान जो है ना वो इस व्रत में रखो। थैंक यू। लड़की अजी अम्मा जी, ये पूजा का सारी तुम खुद अपने हाथों से भरिया को दो। क्या बात है? आई लो, कल पहन लेना। विशु भैया, काम है। विशु, अब बेटा एक जगह पर बैठे रहो, परेशान मत करो। यहाँ भागा दौड़ी बंद करो। देखो सब पूजा का सामान रखा है, लादूत नहीं लगना चाहिए इसको। सबको ध्यान रखना है, यहाँ पूजा की जगह पर जूता चप्पल जूठा बूटा कुछ नहीं आना चाहिए। कहाँ चले आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? छठी मैया का चूल्हा स्थापित किया है, हमारा व्रत खंडित करना चाहते हो का? ये तो शराब है पी के आया है। हम नरेश सिंह हैं और मुखियाइन हमारी पत्नी है, और हमने ही अपनी जमीन पर बांस बल्ली गाड़ कर वो घाट जाने वाला रास्ता रोका है। सारे गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें रोकने की, लेकिन तुम्हारा परिवार तो बहुत ही होशियार निकला। वो क्या कहते हैं, कचहरी जाकर ऑर्डर लेके आ गए हमारे खिलाफ। हम तुम लोगों को चेतावनी देने आए हैं, अगर हमारे रास्ते में आने का कोशिश किया तो। नहीं तो क्या कर लेगा मैं तू? रागिनी, हमारा मतलब है कि कब फालतू का बकवास कर। मैं बात करता या घुमा के दीजिए इनको एक। देखिए आप जो कोई भी है, घर की औरतों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? देखने रहे कि यहाँ पे छठी मैया की पूजा की तैयारी चल रही, तो आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए और शांति से। अरे हमको किसी से कोई बात नहीं करनी है, हम तो वार्निंग देने आए थे। हम अभी कहते हैं पीछे हट जाओ वरना बहुत पछताओगे। चुपचाप निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। हम सबको देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे। सिस्टी बोरिया, चलो अब तुम कोशिश कर लो, उसके बाद खाना खा के तुम्हें खरना का व्रत भी खोलना है। जी, और पता है ना, खाते समय किसी से बात नहीं करना।
का कर रही हो रागिनी? काहे दो पत्थर लगाई हो है? अरे सबसे पहले जो है वो परवैती खाती है, बाकी सब बाद में खाते हैं, पहले उसके लिए लगाओ। कि का हो रहा है, हमको कोई समझाएगा? उस सासुमैया और देवर जी ने डिसाइड किया है कि वो भी सृष्टि के साथ ना व्रत रखेंगे। उनका मानना है कि अगर पति और पत्नी साथ में कोई संकल्प उठाते हैं तो उनके तप में बल आता है। एकदम ना लल्लन टॉप जोड़ी है वो, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वंडरफुल। अरे का कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घाट देखने चलना है कि नहीं चलना? बस अम्मा जी बस कर ही रहे हैं। हाँ तो चलो जल्दी करो। दादी जी रागिनी घाट पर गई है इंतजाम देखने के लिए और हम लोग भी थोड़ी देर में निकलेंगे। हेलो। हाँ रागिनी, क्या हुआ, वहाँ का माहौल कैसा है? सृष्टि यहाँ पे तो ना सब कुशल मंगल है, और जब तक हम हैं ना यहाँ पे तब मंगल ही रहेगा, टेंशन मत लो। लेकिन कहा है ना कि हमसे एक झोल हो गया। क्या? कोर्ट के कागज नहीं है वो, हम भूल आए घर पे। रागिनी तुम कोर्ट का स्टे ऑर्डर घर पर कैसे भूल सकती हो? उसके बिना तो हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, और इस समय तो हम किसी के हाथ में पेपर्स भिजवा भी नहीं सकते। अच्छा रुको, हम कुछ इंतजाम करके तुम्हें फोन करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, बता हमें, और यहाँ का टेंशन मत लेना, हम है यहाँ। देखो तुम जो भी कागज पत्थर लेकर जाना है ना वो लेकर जाओ रागिनी के पास, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। लेकिन सासुमा हम कह रहे हैं ना तुमसे, छठी मैया का व्रत जो है ना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम जाओ वहाँ और रागिनी का मदद करो। हम नहीं चाहते हैं कि अनुराग को ना इसमें घसीटा जाए, और विश्व को भेज कर हम कोनो मुसीबत मोड़ नहीं लेना चाहते, इसलिए तुम जाओ। गांव वालों की सत्ता का रक्षा करना भी जरूरी है। रहो, कामयाब रहो। सृष्टि, सृष्टि खुद ही यहाँ आ गए। अरे सृष्टि तुम काहे आ गई? अरे हम बोला था ना हम सब संभाल लेंगे यहाँ पर, अब तुम इतना कल से कुछ खाई पी नहीं हो। हाँ कोई बात नहीं, ये काम भी तो जरूरी था ना। अरे लेकिन फिर सृष्टि ये तो एकदम हीरो जैसा नहीं लग रहा है? हाँ चाल ढाल देखो एकदम लल्लन टॉप। तुम सही कह रही हो, हमें लगता है यहाँ आसपास शूटिंग चल रही है। घाट
चाल ढाल एकदम ना एक्शन हीरो की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये लड़की कौन है इसके साथ? वो हमारे ख्याल से हीरोइन होगी। ये तो हमको ही देख रहा है, अब जानता है क्या तुमको? चलो तो फिर मिलते हैं जाके। हाय, हेलो, मायसेल्फ विन कुंद्रा, सृष्टि, हाय, नमस्ते, 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 नमस्ते। मैं बिहार पहली बार आया हूँ और यहाँ की छठ पूजा के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो सोचा कि इस बार देखता हुआ जाऊंगा। जी बहुत सुंदर घाट सजाया है आप लोगों ने, कुछ बताइए ना अपने व्रत के बारे में। हाँ बिल्कुल, आइए ना। जी जी, छत्तीस घंटे का व्रत? जी, वो भी निर्जल। आपके स्पिरिट को ना सैल्यूट करना चाहिए। वैसे आप तो अपने बारे में बताए नहीं, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप ना वो बॉलीवुड के एकदम सुपरस्टार हैं। वो हम ना आपका वो क्या कहते ट्रेलर जो चलता रहता है ना, वो भी देखे हैं, बहुत अच्छा था ट्रेलर। हाँ, हाँ यही पास में मेरी शूटिंग चल रही। अच्छा, अरे वाह। अब और ये जो है ये आपकी हीरोइन है का? कौन ये? नहीं नहीं, ये मेरी हीरोइन वरुण नहीं है, ये मुझे डांस सिखाती है स्टेज के पीछे, मेरी कोरियोग्राफर है सिद्धू। अरे अरे संभाल के, सुपरस्टार बाद में बनना, पहले चलना सीख लो। संभालने वाले हर जगह नहीं मिलेंगे। और हाँ, सॉरी और थैंक यू की उम्मीद तो तुमसे मुझे वैसे भी नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि अब जब हम सब लोग यहाँ घाट पे इकट्ठा हो गए हैं तो एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी? अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, आप थोड़ा पीछे हो ना, आप सब नहीं आ रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ जी, आप ले लीजिए। आइए, स्माइल करिए सारे। दिखाइए। अरे वाह, आपने सिद्धिविनायक का प्रोमो तो देख ही लिया है, बहुत जल्द प्रीमियर भी देखेगा। अच्छा, अब कब है? 26 अक्टूबर से गुरुवार रात 9 बजे, ओनली ऑन एन टीवी। ठीक है, जरूर। और वैसे भी आपकी भाषा में बोले ना तो बहुत खूबसूरत होने वाला है, हमारा प्रीमियर जरूर देखिएगा आप। हैं? आप हमारी भाषा में बात कर रहे हैं? क्या करें, एक्टर ऐसे बोलना पड़ता है। बहुत बढ़िया है। अच्छा चल चले। थैंक यू वेरी मच जी। नमस्ते। चलिए, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अरे हमको भी बहुत अच्छा लगा। चल ओके। अच्छी जोड़ी थी ना, अच्छा लगा इनसे मिलकर। जोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं हमको ऐसा फील हुआ है कि इन दोनों के बीच में ना कोनो प्रॉब्लम है। रागिनी, आदमी और औरत में प्रॉब्लम होनी चाहिए, इस प्रॉब्लम से ही तो प्यार पैदा होता है। जैसे हमारे और हमारे मिश्र जी का। तुम ये नोकझोंक को ना प्यार की शुरुआत समझो। वो कहते हैं ना, नफरत ही नफरत को आजमाएगी और मोहब्बत की जीत हो जाएगी। बंद करो सब।
हमारा मना करने के बावजूद भी तुम लोगों का इतना हिम्मत, हमारी जमीन से गुजरने का हिम्मत किया तुम लोग? ठीक है, तुम्हारे बाप का जमीन है, है? बाप से याद आया, तुमको पता है तुम्हारा बाप कौन है? जो भी है उनके ऊपर भी ना एक बाप है जिसका नाम है विकराल सिंह, और ऊना हमारे बाबूजी, हम उनकी बेटी है, समझे? और इस सारे गांव वाले ना हमारे कहने पे यहाँ हैं, तो जो भी बात करना है ना हमसे कर। हम कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि अब हम हमारी बात ना मानने का परिणाम दिखाएंगे। चलो रे, बंद करो ये पूजा सूजा की तैयारी, और जो जो भी हमारी जमीन से चल के आया ना, साले की टांगें तोड़ देना, कोई भी चलने लायक ना रह पाए साला। इंसान को ना अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और तू आज अपनी औकात से ज्यादा बोल गया। तुझे दंडित करना ना अब आवश्यक है। तो रुको, अरे सृष्टि, हम संभाल लेंगे इस कुकुर मुत्ते को, बहुत देखे हैं इसे हम। रागिनी, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, सामने देखो। सृष्टि सिंह आप ही हैं? जी। जैसे आपने हमें यहाँ भेजा है अर्जेंट ऑर्डर देकर। ये रहा कोर्ट का स्टे ऑर्डर, और ये है वो लोग जो ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। अगर इस पूजा में तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत हुई ना तो अंदर डाल देंगे, समझे? चलो निकलो यहां से। आप फिक्र मत कीजिए, अभी आपको परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। चलो। जुग जुग जियो बेटा, आपके वजह से आज गांव वाले छठ पूजा अच्छे से मना पाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, ये सब छठी मैया की कृपा है। बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। अब ना वो घाट का सारा मामला कंट्रोल में ना, मुखिया का पति किसी को नहीं रोक सकता घाट पर जाने से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव वाले इस बात को लेकर कितना परेशान थे, अब सब कितना खुश होंगे। सिस्टी बहुरिया, उपवास में कोनो तकलीफ तो नहीं हुआ ना? देखो अभी आगे ये उपवास और भी कठिन होने वाला है, कर लोगी ना तुम? दादी जी, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम ये व्रत जरूर पूरा करेंगे। बहुरिया, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। जल्दी से तैयार हो जाओ, है घाट पर जाकर सजाना भी तो है ना? हम भी चलेंगे। विशु, तुम हमारे साथ आओ, तुम्हारे लिए कुर्ता धोती बनवाए। आओ जल्दी से। माँ, घाट को सजाने के लिए मैं और रागिनी दोनों साथ चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा तुम, मैं मानता हूँ कि मुझे ये काम ठीक से नहीं आता, लेकिन रागिनी है ना, वो मेरी मदद करेगी, हम दोनों मिलके ये काम कर लेंगे अच्छे से, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, है? चलो। Don't worry, मैं कुछ भी करने नहीं दूंगा। नहीं नहीं मिस्टर जी, ठीक है, थैंक यू। पक्का? रागिनी, ये व्रत तुम भी रख सकती थी ना?